हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओजोन परत में छेद क्यों है। व्हाई इज देयर अ होल इन द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है उसमें छेद क्यों है, यानी होल क्यों है। अधिकतर ऐसा होता है कि एक मजाक में यह आंसर दिया जाता है कि किसी ने इसे पंचर कर दिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भी एक साइंस है, एक फैक्ट है। तो चलिए जानते हैं कि ओजोन लेयर में, यानी ओजोन परत में छेद क्यों है, होल क्यों है। आमतौर पर एक ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में एक ऑक्सीजन अणु मौजूद है जिसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इस अणु को ओजोन कहा जाता है। ओजोन के अणु जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनाते हैं जिसे ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और इस प्रकार हमारी रक्षा करती है। लेकिन एक समय आया जब मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का उत्पादन बहुत बढ़ गया। ये CFC अधिक से अधिक ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ने लगे। इस प्रकार ओजोन परत पतली होती चली गई। इस घटती ओजोन परत को ओजोन छिद्र कहा जाता है, यानी होल कहा जाता है। हालांकि आजकल अवेयरनेस के कारण, मींस जागरूकता के कारण, CFCs का उत्पादन यानी प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण राशि तक कम हो गया है। तो इसका नतीजा ये है कि ओजोन परत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से भर रही है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि ओजोन परत में छेद क्यों है, यानी ओजोन जो लेयर है उसमें होल क्यों है। तो चलिए, ये आज हमने जान लिया। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।